डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम यादव स्पीडिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले अध्याय समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाशित माध्यम और प्रकाश किरणों के बारे में बताया था। इस दूसरे वीडियो में हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, परावर्तन के प्रकार के बारे में और परावर्तन के नियमों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ या अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ या अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये समतल दर्पण है M1 और M2, पॉलिश युक्त चिकना सतह है। इसके बिंदु B पर प्रकाश किरणें आकर के टकरा रही हैं और ये टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जा रही, लौट जा रही है उसी माध्यम में। ये आपतित किरण, ये भी जो है ये आपतित किरण, BC परावर्तित किरण, और पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची जा रही है जिसे अभिलंब कहते हैं। इस आकृति में M1 और M2 एक समतल दर्पण है जो पॉलिश युक्त चिकना सतह है। इसका AB किरण आपतित हो रही है, AB किरण आ रही है और ये टकराने के बाद पृष्ठ पर परावर्तित हो जा रही है। तो ये जो AB आ रहा है किरण, ये भी आपका आपतित किरण है और ये जो BC है ये भी आपका परावर्तित किरण है और ये जो BN है ये अभिलंब है। इसमें एक चीज हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की जो चाल होती है वो नियत रहती है, चाल परावर्तन में बदलती नहीं है बल्कि वह नियत रहती है। अब आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। आपके जो पेपर होते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न अति लघु तरीके प्रश्नों में पूछे जाते हैं, एक नंबर के प्रश्न होते हैं। ये जैसे पूछ दिया जाता है कि परावर्तक पृष्ठ से आप क्या समझते हैं या परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या है। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए ये M1 और M2 जो है
इसी पे आकर के प्रकाश किरणें टकरा रही हैं और यहीं से टकराकर बिंदु बी पे टकरा रही हैं और टकराने के बाद परावर्तित हो जा रही हैं। यही आपका परावर्तक पृष्ठ है। चित्र में जो M1 और M2 है यही आपका परावर्तक पृष्ठ है। इसके बाद आपतित किरण, आपतित किरण सेकेंड आपतित किरण NC डेंस रे आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो ये आपका चित्र है इसमें AB जो है यही आकर के प्रकाश किरण टकरा रही है, इसी को आपतित किरण कहते हैं। तो जो AB है आपका यही आपतित किरण है। इसके बाद परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिव रे, परावर्तित किरण वह प्रकाश किरणें जो पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में जो आपका BC है यही परावर्तित किरण है। AB आकर के टकरा रहा है और ये जो BC प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट रहा है, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद जानते हैं आपतन बिंदु के बारे में। आपतन बिंदु क्वांटम इंसिडेंस आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराता है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। जो आपतित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराता है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में जो बिंदु B है इसी पे आकर के किरण टकरा रही है, जो आपतित किरण है यही आपका आपतन बिंदु है। इसके बाद जानते हैं अभिलंब के बारे में। अभिलंब अभिलंब क्या होता है इसको देखते हैं। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु आपका B था, आपतन बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा जो BN है यही आपका अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसके बाद अभिलंब के बाद जानते हैं आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण एंगल इंसिडेंस आपतन कोण क्या होता है इसको देखते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वही आपका आपतन कोण होता है। इसे
स्मार्ट आई से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में जो एंगल ए बी एन है यही आपका आपतन कोण है। ए बी एन ये जो बन रहा है कोण यही आपका आपतन कोण है। इसके बाद देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण नेक्स्ट परावर्तन कोण एंगल आर रिफ्लेक्शन एंगल आर रिफ्लेक्शन परावर्तन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मार्ट आर्क से प्रदर्शित किया जाता है। जो चित्र है उसमें एम बी सी जो कोण बन रहा है वही स्मार्ट आर्क के बराबर है, माने आपका परावर्तन कोण के बराबर है। ये है आपका परावर्तन कोण। इसके बाद जानते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में। परावर्तन के प्रकार के बारे में परावर्तन के प्रकार टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर परावर्तन को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने सतह से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए ये कोई पॉलिश युक्त आपका चिकना सतह है M1 M2 और इसमें जब प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं ये आपका आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें ये आपका समतल दर्पण। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पॉलिश सतह से टकराती हैं तो प्रकाश किरणें समांतर एक दूसरे से समांतर क्रम में परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन आर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन।
अनियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। ये आपकी किरणें हैं, ये खुरदरा पृष्ठ है आपका, इससे इसपे जब किरणें परावर्तित हो रही हैं, प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, तो ये समांतर क्रम में नहीं बल्कि इधर उधर दिशाओं में फैल जा रहे हैं। इसी प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। अब जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख दो नियम हैं। इसमें जो आपका प्रथम नियम है, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम देखते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। और दूसरा नियम है, जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम सेकेंड लॉ, यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। मीन्स एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। और अब हम प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में कुछ आपको उदाहरण बता देते हैं। जैसे कमरे की जो खिड़की होती है उसका जो कांच लगा होता है वो खुरदरा लगा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रकाश का नियमित परावर्तन नहीं होता है बल्कि विसरित परावर्तन होता है और हमारी जो आंखें होती हैं वो चकाचौंध से बच जाती हैं। अखबार जो होते हैं, दूसरा उदाहरण है इसका दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का, अखबार जो होता है वह खुरदरे और सस्ते कागज पर छापा जाता है जिससे प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है और उस कागज में छापे गए छोटे छोटे अक्षर हमें स्पष्ट रूप से सुगमता पूर्वक हम क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक इस चैप्टर में एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे।